हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे आलू चाट के एंड में मैंने जो अनाउंसमेंट दी थी ना, तो ये उसी अनाउंसमेंट का है। डे वन यानी 15 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज का ये है डे वन। तो इस डे वन में मैं पहले ही अब उठ चुकी हूँ, अच्छे से फ्रेश भी हो चुकी हूँ। तो एक्चुअली मैं आज लेट उठी थी, मैं उठी थी 10 o'clock को। तो ऐसा सोच रहे होंगे कि यार सैटरडे, तो सैटरडे के दिन भला मैं मतलब लेक्चर्स के लिए क्यों उठ रही हूँ। तो वैसे भी मैं काफ़ी लेट ही उठी थी क्योंकि मेरी आज एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन थी 11 o'clock की। तो मैं आपको बाद में वो ड्राइंग भी बता दूँगी। तो अभी मेरी ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो चुकी है फिनिश। अभी हो चुका है लंच टाइम। मैंने थोड़ा ब्रेक मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो अभी 2 बजने वाला है, तो ये टाइम होता है हमारा लंच टाइम। तो इसलिए अब मुझे पता नहीं है कि लंच में क्या है, पर मुझे ये तो पक्का पता है कि मम्मी ने भैया के लिए और मम्मी खुद के लिए क्या बनाया है। तो मम्मी ने मम्मी को राजरे की और जो रोटी होती है, आई मीन रागी की रोटी जो होती है, वो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी ने वो भैया के लिए भी बनाई है, जो कि भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पेशली ये क्या बोलते थे उस सब्जी का नाम क्या था, क्या था, क्या था? हाँ, मटर की सब्जी के साथ उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो पर फिर भी अब उसे वो खानी ही पड़ेगी। पर मैंने मम्मी को बोला हुआ है कि मुझे तो जो भी हो, वो कैसी भी रोटी हो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मम्मी को अच्छे से पता है, तो इसलिए पता नहीं कि मम्मी मेरे लिए क्या दे रही है और ना ही मैं वो सब्जी खाने वाली हूँ रोटी के साथ। तो अब देखते हैं कि मम्मी क्या देती है। चलो जाके मम्मी से ही पूछ के आते हैं। फ्रेंड्स, अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, मैं पागल हो चुकी हूँ। तो मैं किचन में जाके आई, तो उधर मैंने देखा कि मम्मी मेरे लिए एक नॉर्मल रोटी बना रही है, जो कि अच्छा है। मतलब उस रागी की रोटी से तो अच्छी है अभी, और उसके साथ अब मैं वो सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाने वाली। तो उसके मम्मी ने मुझे एग फ्राई करके दिया है, यानी ऑमलेट, जो कि मुझे थोड़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैं खा लूँगी। और हाँ, मैंने जो आपको ड्राइंग बताई थी ना, तो ये रही वो ड्राइंग। हाँ, तो फ्रेंड्स ये रही वो ड्राइंग। तो ये जो ये ड्राइंग मैंने पीस पे बनाई है, अगर आपको पसंद आए या फिर कुछ कमियां मिले या फिर मतलब कुछ इशू होंगे, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं जाके खाना खा लेती हूँ, और इंतजार नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा लंच आ चुका है। तो ये रही रोटी, और मम्मी ने आज मुझे स्क्वायर शेप के पैन में एग फ्राई करके दिया है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और साथ ही साथ केचप, जो कि मुझे लगता है। तो अभी मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ, आपको जो करना कीजिए, आप खाना खाना है, नेटफ्लिक्स देखना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है या फिर सोना है, जो कीजिए, जो मन किए वो कीजिए। पर अब मुझे तो खाना खाना चाहिए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, गर्म है रोटी। चलो, तो मैं तो अपना खाना एंजॉय करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरा लंच तो हो चुका है, यानी मेरा पेट अब ऑलमोस्ट भर चुका है। पर फिर भी तो कल भी परसों पापा ने पपई ला के रखी थी, तो मैंने वो देख ली और वैसे ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे पपई खाने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने मम्मी की हेल्प से पपई को कल ही यानी वॉश करके रखा था अच्छे से। तो बस मम्मी की हेल्प से पील कर दिया और कट कर लिया। तो अभी मैं पहले तो अपनी इस पपई को एंजॉय करूँगी। आज पहले तो मुझे पपाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, बट अभी पता नहीं कैसे ये मेरा फेवरेट फ्रूट बन गया है। तो मैं तो अपनी पहले पपाई ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं बैठने वाली हूँ पढ़ाई को। तो चलिए अब पहले पपाई खाती हूँ और उसके बाद मेरे सारे बुक्स भी ला के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ाई को बैठ चुकी हूँ, मैंने अपनी पपाई फिनिश कर दी थी। तो अभी मैं आज लेने वाली हूँ सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। तो उसमें पापा ने मुझे कहा कि उसका जो तुम मेरा फर्स्ट चैप्टर तो हो चुका है, पर अभी सेकंड चैप्टर मुझे लर्न करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसलिए अब मैं वो लर्न कर लूँगी। एज SST सब्जेक्ट मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट में से एक है, पर जब भी मैं अपने इस लकी पेन से पढ़ाई करती हूँ, तो मेरे सारे क्वेश्चन आंसर्स हाफ एन आवर में ही लर्न हो जाते हैं। पर इसके साथ ही साथ मुझे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स में सब कुछ सॉल्व करना है, चैप्टर रीड भी करना है, इसलिए अभी मैं 4 बजे तक पढ़ूंगी। तो अभी यानी 3 बजने के लिए और 10-15 मिनट है। तो चलो अब मैं पढ़ती हूँ एक से आधा घंटा तक अब,
और उसके बाद देखते हैं कि मैं आगे क्या करूँगी। तब तक आपको जो करना है वो कीजिए, बुक रीड करना है, फिर आपको भी पढ़ाई करनी होगी तो वो कर लीजिए, पर मुझे तो पढ़ाई करनी ही होगी वरना पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए अब मैं तो मेरे लकी पेन से इनके आंसर्स को लर्न करती हूँ। थ्री। और हाँ फ्रेंड्स, और एक छोटा सा सीक्रेट है, किसी को मत बताना, और वो सीक्रेट कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपको तो पता ही है कि मेरा ऐसा यूट्यूब वगैरह चैनल जो है ना, ये मेरे पापा को अभी तक बताना, मतलब हमने बताया नहीं है, ये उनसे हम सब कुछ छुप के करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उन्हें बताऊंगी, पर जब हमारे फैमिली मेम्बर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मेरी पढ़ाई हो चुकी है ओवर, तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ। तो अब चार तो वैसे बज ही चुके हैं, तो इस टाइम हमारा टी टाइम होता है, पर आज मैं तो चाय नहीं पीती और ना ही अब मुझे ज़्यादा भूख लगी है। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अब अपना शेल्फ ही ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मंथ में से एक बार अपना शेल्फ मुझे ठीक करना ही पड़ता है, वो इतना ज़्यादा इधर उधर हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है। देखते हैं कि अब कैसा है शेल्फ। ओ हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही अब मैसी हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं तो अपने शेल्फ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके अच्छे से अपने सारे बुक्स रख देती हूँ, और मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही है मेरा रूम क्लीन करने में। तो चलो, तो फ्रेंड्स अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा शेल्फ अब काफ़ी हद तक पहले से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइज हो गया थोड़ा बहुत। तो चलो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई गेम खेला जाए, क्योंकि अभी 4:15 ही हुए हैं। तो इसलिए अब मैं अपना ये फेवरेट गेम खेलने वाली हूँ, ये है मेरा हाइड एंड सीक गेम। तो चलो मैं आपको भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ये गेम भला कैसे खेला जाता है। अभी ये है मेरा फेवरेट गेम। तो इस गेम में यानी इस हाइड एंड सीक गेम में आपको एक बुक मिलती है, तो ये इसमें टोटल 42 चैलेंजेस हैं, और इधर ऐसे कुछ मोल्ड्स टाइप मिलते हैं। तो ये अलग अलग वर्जन के होते हैं, मुझे मिला है जंगल वर्जन यानी जंगली सफारी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जंगल की सारी सीन्स है इसमें। तो अभी हमें और इसके साथ ही साथ एक पैम्पलेट भी मिलता है जो कि मुझसे खो गया है। तो अभी चलो मैं लेती हूँ चैलेंज नंबर 37, या फिर कोई पहले कोई इजी वाला ही चूज़ कर लेते हैं। कौन सा लूँ, एक मिनट हाँ फ्रेंड्स। चलो तो फिर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लूँगी चैलेंज नंबर 2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है चैलेंज नंबर 2। तो इस चैलेंज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि इधर है 2 टेंट और 3 ऐसे मैन हैं जो कि उन्होंने आदिवासी कपड़े टाइप ऐसा ही कुछ पहना हुआ है। तो इसमें ये जो है ना, इसमें भी देखे ये रहा वो टेंट और ये रहे वो आदमी। तो अभी हमें इस गेम को ऐसा खेलना है कि समझो अभी मैंने ये टूल यूज़ करूँगी, तो अभी मुझे इसे ऐसे लगाना होगा कि जिससे सिर्फ वो चीज़ ही दिखे। देखो तो मैंने इधर ऐसा एक लगा दिया, तो ये सिर्फ अभी टेंट ही दिख रहा है। और अभी मैं इस टूल को लूँगी और हाँ यहाँ फिक्स कर दूँगी, तो इधर अब सिर्फ एक आदमी ही दिख रहा है, वो वाला जो इस बुक में दिया गया है। और अब ये दो टूल्स बाकी है ना, हाँ इसे इस तरह और ये इस तरह। देखिए तो फ्रेंड्स अब मैंने इसे ऐसे सेटल कर दिया कि सिर्फ वही देख वही पिक्चर विजिबल है जो कि होने चाहिए। देखो एक आदमी, दूसरा और इधर एक तीसरा, और एक ये टेंट। और इस बुक में भी कितने हैं, इस बुक में है टेंट और आदमी। तो देखा फ्रेंड्स ये गेम कितना इजी और कितना इन्जॉयबल है। तो अभी मैं 4:30 to 5:00 तक अभी गेम खेलूँगी और थोड़ी सी मस्ती भी कर लूँगी या फिर टीवी देख लूँगी, देखते हैं वो। पहले तो अब मैं 4:30 तक यही गेम खेलने वाली, क्योंकि ये मेरा सबसे मनपसंदीदा गेम है। तो फ्रेंड्स अब ये गेम खेलते मेरे ख्याल से 5-10 मुझे हो गए, एक मिनट बस मैं ज़रा देख के आती हूँ, एक मिनट। कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं ना हो रहा, आधा घंटा हो गया मुझे ये गेम खेल खेल के, मुझे तो लगा था कि सिर्फ 5-10 हो गए होंगे खेलते। ये गेम इतना अच्छा है ना कि मैं तो इसके साथ खेलने में ही गुंग हो जाती हूँ,
और आपको ये गेम ऑनलाइन भी मिल सकता है फ्रेंड्स, से बहुत अच्छा गेम है। और अभी मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मम्मी का मोबाइल देख लेती हूँ या फिर टीवी देख लूँगी, ऐसा ही कुछ कर लूँगी। अब तो अभी मैं 5 o'clock तक ऐसे कुछ टाइम पास करती रहूँगी, उसके बाद मुझे भूख लगी जाती है, कुछ भी बोलो पर फिर भी तभी मैं कुछ बना के लेके खा लूँगी। पर अभी सबसे पहले मैं जाके मोबाइल देखती हूँ मम्मी का। तो फ्रेंड्स अभी 5 बज के गए और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैगी बना लूँ, इसलिए अब मैं मैगी बनाने वाली हूँ। तो ये रहा मैगी, ये डाला अब मैंने इसके अंदर पानी, एक और आधा ग्लास जितना पानी, और ये रहा मैगी मसाला। तो सारा मैगी मसाला ये मैंने अब डाल दिया, पर मैंने फ्लेम तो अब ऑन ही नहीं किया, इसलिए चलो अब फ्लेम भी ऑन कर लेते हैं। आप चाहे तो अपने बड़े की विजन हेल्प से फ्लेम ऑन कर सकते हैं, क्योंकि डेंजरस होती है, इसलिए चल चल वो चलो। तो अब गैस तो ऑन हो चुका है, तो अभी इसे बॉईल होने में और पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अब जब तक ये कुक होता है मैं तब तक थोड़ी देर और टीवी देख लेती हूँ, और जब भी ऑलमोस्ट कुक होने हो जाएगा तभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं अपने मैगी में एक क्रीमी सा और टेस्टी कुछ एक थिंग ऐड करने वाली हूँ, जो कि है बटर। तो आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हो, तो मैं तो आज सिर्फ बटर के साथ ही मैगी को इन्जॉय करूँगी, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हो। तो अब ये बटर तो क्विकली मेल्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने गैस को फास्ट फ्लेम पे रखा था, और मेरी मैगी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं बस सर्विंग के लिए प्लेट ले लेती हूँ, इसमें मैं खाऊँगी। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी हो तो आप फ्लेम को बढ़ा दीजिएगा, या फिर अगर कम हो तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसे एक प्लेट पे सर्व कर लिया है, और मैंने इसे गार्निश किया थोड़ी सी बटर के साथ, जो कि अब मेल्ट हो जाएगा जैसे मैं इसे मिक्स करूँगी। तो अब मैं तो अपने इस डिलीशियस क्रीमी बटरी मैगी को इन्जॉय करती हूँ। तो अभी हो चुके हैं 5:30 मैगी बनाने तक, तो अब 6 o'clock तक मेरी ये मैगी हो जाएगी ख़त्म, उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपनी मैगी भी फिनिश कर ली, और अभी 6 o'clock हो चुका है। तो अभी मैं कुछ बुक्स रीड करूँगी, मेरे पास कुछ मेरी स्टोरी बुक्स है तो मैं वो रीड करूँगी, और मेरे डेली के मैं टेबल्स रिवाइज करूँगी, और जिससे कि वो जो मैं जो टेबल्स लर्न करती हूँ कहीं मैं वो भूल ना जाऊँ। तो अब इसमें पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा, तो चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं और टेबल्स के रिविजन भी। तो फ्रेंड्स जब अभी सोच रहे हो कि भला मैंने अब घर में क्यों मास्क पहना, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नीचे साइकिलिंग के लिए, तो मैं 30 मिनट तक अब साइकिलिंग करने वाली हूँ, और मैं फुल सेफ्टी के साथ ही जाऊँगी, मेरा मास्क भी मेरे साथ है, और साथ ही साथ मैंने अपना सैनिटाइजर भी लिया हुआ है। और अब सोचोगे कि 6:30 से सीधा अभी इतनी रात हो गई, तो नहीं फ्रेंड्स, मैं बीच में मस्ती कर रही थी भैया के साथ, इधर उधर उछल खेल रही थी, और बीच में अभी पढ़ाई को भी बैठी थी। पर चलो अब 7:30 को ये होता है मेरा साइकिलिंग टाइम, तो इसलिए अब मैं जाती हूँ और अपनी साइकिलिंग करके आती हूँ 30 मिनट में। ओके तो फ्रेंड्स अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, तो अभी मैं सबसे पहले चेंज कर लूँगी। तो अभी मैं फ्रेश तो हो चुकी हूँ, पर फिर भी अब मैं अच्छे से अपने क्लोथ्स को चेंज कर लूँगी, अपना नाइट सूट पहन लूँगी, और फिर मैं बैठूँगी पढ़ाई के लिए। तो अब मैं 9:30 तक करूँगी पढ़ाई, क्योंकि 9:30 को होता है हमारा डिनर टाइम, इसलिए। तो चलो अब मैं पहले चेंज कर लेती हूँ और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ, और अभी पापा भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, तो अभी ये हो चुका है मेरा लंच, मतलब डिनर टाइम। वैसे पढ़ाई तो मेरी कब की ख़त्म हो चुकी थी, मैं बस ऐसे थोड़ा टीवी देख रही थी और मस्ती कर रही थी थोड़ी सी। तो मेरे आज के जो लंच में वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे आज के लंच में है पराठा विद बटर, और उसके साथ ही साथ ये मम्मी ने दाल फ्राई बनाई हुई है, और ये मेरी फेवरेट मम्मी ने बनाई हुई है पनीर चिली। तो इसलिए अब मैं तो अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ, और फ्रेंड्स
ये था मेरा 15-day डेली व्लॉग चैलेंज का डे 1। तो ऐसे ही कल भी अब मैं अपना डे 2 भी करने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे इस चैलेंज को अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, यानी अगर आपने इस चैलेंज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया, तो फिर मैं सोचूंगी 1 month डेली चैलेंज व्लॉगिंग चैलेंज के लिए। तो चलिए मैं तो अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि गरम गरम ही सबसे बेस्ट है। तो चलो मैं तो चलती हूँ। और हाँ, मैं अपना डिनर ख़त्म करने के बाद ब्रश कर लूँगी, थोड़ी देर टीवी देख लूँगी, और उसके साथ बाद उसके बाद मैं सो लूँगी। आजकल तो संडे है, इसलिए मैं थोड़ी देर रात को टीवी भी देख लूँगी। चलो अब इसे इन्जॉय करते कर। Yeah.